प्रिय बच्चों नमस्कार, सबको हिंदी कक्षा में स्वागत। आज हम तीसरा पाठ पढ़ेंगे। पाठ का नाम है मन का सुंदर। पाठ का नाम क्या है? मन का सुंदर। यहाँ चित्र में क्या है? चित्र देखिए, ध्यान से देखिए। चित्र में क्या है? चित्र में एक लड़का है, एक गमला है। गमला मीन्स पॉट। गमला मीन्स पॉट। गमले के पास एक चिड़िया है। गमले के पास एक चिड़िया है। लड़का चिड़िया को ध्यान से देखता है। लड़का चिड़िया को ध्यान से देखता है। उसे समझ गया कि वो चिड़िया घायल है। घायल मीन्स वुंडेड। घायल वुंडेड। वह उसे उठा लिया और घर के अंदर ले गया। लड़का वो चिड़िया से उठा लिया और घर के अंदर ले गया। चोट में दवाई लगाई, पानी पिलाया। चिड़िया धीरे धीरे फुदकने लगी। फुदकना टू जंग, फुदकने लगी। हाथ से छोड़ते ही वो फूस से उड़ गई। हाथ से छोड़ते ही वो चिड़िया फूस से उड़ गई। लड़का बहुत खुश हुआ। चिड़िया उड़ गई तब लड़का बहुत खुश हुआ। यहाँ लड़का एक अच्छा कार्य किया है ना? हाँ, लड़का एक अच्छा कार्य किया। हम सब जीव जंतुओं के प्रति, इस प्रकार हम सब जीव जंतुओं के प्रति स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरों की मदद करना अच्छा होता है। देखिए पाठ भाग ध्यान से सुनिए, आप भी मेरे साथ पढ़िए। पहला घर। एक लड़का था, उसका नाम सुंदर था। वो बाजार जा रहा था, बारिश हो रही थी। बाहर बगीचे में गमले के पास चिड़िया थी। सुंदर को देखकर वो उड़ी नहीं, वो गायल थी। देखिए एक लड़का था, उसका नाम सुंदर था। लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम सुंदर था। लड़के का नाम है सुंदर। वो बाजार जा रहा था। बाजार, बाजार जा रहा था। बाजार मार्केट। बाजार मीन्स मार्केट। बाजार जा रहा था। लड़का कहाँ जा रहा था? लड़का बाजार जा रहा था। बारिश हो रही थी। बारिश, बारिश मीन्स रेन। बारिश रेन। बारिश हो रही थी। बाहर बगीचे में गमले के पास चिड़िया थी। बाहर आउटसाइड, बगीचे में। बगीचा मीन्स गार्डन। बगीचा गार्डन। बगीचा के लिए अगला शब्द है उपवाय, हमने पढ़ा है। देखिए बाहर बगीचे में गमले के पास चिड़िया थी। सुंदर को देखकर वो उड़ी नहीं, वो गायल थी। सुंदर को देखकर वो उड़ी नहीं, क्यों? वो चिड़िया गायल थी। गायल मीन्स वोंडर। देखिए अगला गण। सुंदर ने चिड़िया को उड़ा लिया, उसे घर के अंदर लाया। दवाई लगाई, कटोरी में पानी दिया। चिड़िया ने पानी पिया। सुंदर ने चिड़िया को उठा लिया, वो चिड़िया को उठा लिया। उसे घर के अंदर लाया, अंदर इनसाइड, घर के अंदर लाया। दवाई लगाई, दवाई मेडिसिन। कटोरी में पानी दिया। कटोरी मीन्स बोल। कटोरी बोल। पानी दिया, चिड़िया ने पानी पिया। पानी वाटर, पिया ड्रंक। चिड़िया ने पानी पिया। देखिए अगला गण। चिड़िया धीरे धीरे फुदकने लगी। सुंदर उसे बाहर लाया। हाथ से छोड़ते ही वो फूस से उड़ गई। सुंदर बहुत खुश हुआ। उसने नानी को पूरी बात बताई। उसकी नानी बहुत खुश हुई। वो बोली, तुम सुंदर, तुम्हारा मन भी सुंदर। चिड़िया धीरे धीरे फुदकने लगी। फुदकना टू जंप।
धीरे धीरे स्लोली चिड़िया धीरे धीरे फुदकने लगी। सुंदर उसे बाहर लाया, हाथ से छोड़ते ही वो खुद से उड़ गई। वो चिड़िया हाथ से छोड़ते ही वो चिड़िया खुद से उड़ गई। सुंदर बहुत खुश हुआ। क्यों? सुंदर बहुत खुश हुआ। खुश हुआ, खुश मीन्स हैप्पी। खुश हुआ क्यों? चिड़िया अपने हाथ से खुद से उड़ गई। चिड़िया का घायल चिड़िया को दवाई लगाई, वो पानी पिलाया, फिर वो खुद से उड़ गई। तो लड़के को खुश हुआ। उसने नानी को पूरी बात बताई। वो अपने नानी मीन्स ग्रैंड मदर नानी को पूरी बात बताई। उसकी नानी बहुत खुश हुई। उसकी नानी भी बहुत खुश हुई। वो बोली, तुम सुंदर, तुम्हारा मन भी सुंदर। नानी बोली, तुम सुंदर और तुम्हारा मन भी सुंदर। नानी ऐसा क्यों कहा? ऐसा कहने का कारण क्या है बताइए? हाँ, लड़का या सुंदर एक अच्छा कार्य किया। जीव जंतुओं के प्रति हम सब उसी प्रकार स्नेहपूर्ण व्यवहार करना चाहिए। दूसरों का मदद करना अच्छा है। इसलिए नानी कहा, तुम सुंदर, तुम्हारा मन भी सुंदर। देखिए ये शब्द पढ़िए, बारिश, बाजार, बगीचा, कटोरी, खुदकना। बारिश रेन, बाजार मार्केट, बगीचा गार्डन, कटोरी बॉल, खुदकना टू जंप। देखिए पढ़ा पर एक बार भी। एक लड़का था, उसका नाम सुंदर था। वो बाजार जा रहा था बारिश को देखने। बाहर बगीचे में गमले के पास चिड़िया थी। सुंदर को देखकर वो उड़ी नहीं, वो घायल थी। सुंदर ने चिड़िया को उठा लिया, उसे घर के अंदर लाया, दवाई लगाई, कटोरी में पानी दिया, चिड़िया ने पानी पिया। चिड़िया धीरे धीरे फुदकने लगी। सुंदर उसे बाहर लाया, हाथ से छोड़ते ही वो खुद से उड़ गई। सुंदर बहुत खुश हुआ। उसने नानी को पूरी बात बताई। उसकी नानी बहुत खुश हुई। वो बोली, तुम सुंदर, तुम्हारा मन भी सुंदर। बताइए लड़के का नाम क्या था? लड़के का नाम सुंदर था। लड़के का नाम है सुंदर। लड़का कहाँ जा रहा था? लड़का बाजार जा रहा था। गमले के पास क्या थी? गमले के पास, हाँ, गमले के पास एक चिड़िया थी। वो चिड़िया घायल थी। सुंदर ने क्या किया? वो घायल चिड़िया को उठाकर घर के अंदर लाया और दवाई लगाई, कटोरी में पानी दिया, चिड़िया पानी पिया। फिर वो धीरे धीरे फुदकने लगी। हाथ से छोड़ते ही वो खुद से उड़ गई। तब सुंदर बहुत खुश हुआ। पढ़ा अच्छी तरह पढ़िए। धन्यवाद।